अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप लोग सेहत की बहुत अच्छी हालत में होंगे। आज हम तांबे की पतीली में चिकन कीमा बनाने जा रहे हैं। ये बहुत फ़ायदेमंद होती है और ये मेरे एंसेस्टर्स की है और इसको मैंने अभी रिसेंटली कलई करवाया है। कलई चूँकि बहुत रेयर हो गई है तो इसलिए ये बहुत महंगी कलई हुई है और सिर्फ सेहत पर्पस से ये मैं यूज़ कर रही हूँ और इसकी ज़ाहिर वैल्यू एंसेस्टर्स के हिसाब से पहले वैल्यू है, उसके बाद मुझे इसके फ़ायदे भी पता चले तो फिर मुझे तो डेफिनेटली इसको यूज़ करना था। और बुज़ुर्गों की रखी हुई चीज़ें वैसे भी बहुत अट्रैक्ट करती हैं। इसमें मैंने एक मीडियम साइज़ अनियन लिया है और ऑनियन को मैं हाफ कप ऑयल में, थोड़ा कलर आ जाए तो इसमें मैं कीमा ऐड करूँगी। कीमा मैंने पानी में रख दिया था और इसको मैं इसी पानी में बहुत अच्छा सा डाइल्यूट कर लूँगी तो उससे इसके अंदर लम्स नहीं बनते, बहुत रेशमी सा कीमा तैयार हो जाता है। अगर आप ऐसे ही मोटा मोटा डाल दें तो फिर वो मोटे मोटे हो जाते हैं और आधा दिन उसको सिर्फ पीसने में लग जाता है, लेकिन अगर आप इस तरीके से इसको डाइल्यूट करके डालें, जैसे कि ये मैं प्याज सुर्ख कर रही हूँ ना, फिर उसमें ये मैं एज इट इज़ इस तरह डालूंगी। मैंने फ्रीज़र से निकाल के तो पानी में रख दिया था। ये बिल्कुल पानी के अंदर एक एक इसके पीस के अंदर के दरमियान में जब पानी आ जाता है ना, फिर इसका लम्स नहीं बनते, गुठलियाँ नहीं बनती, तो ये ऐसी रेशमी सा पक के तैयार होगा। तो ऑनियंस हो जाते हैं जैसे कि हो गए हैं थोड़े से और, तो मैं इसमें ये डाल देती हूँ। उसके बाद हम इसमें मिर्च मसाले ऐड करेंगे। इसमें मैंने 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है, 1 टीस्पून गरम मसाला, 2 टीस्पून कोरिएंडर, 1 टीस्पून हल्दी, 1/2 आंच पे कुछ देर छोड़ूंगी और इसमें मैं सॉल्ट टू टेस्ट डालूंगी। मैंने इसमें 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड किया। इसके बाद मैं इसमें ग्रीन चिलीज ऐड करूंगी बाद में, और उसके बाद मैं इसको 20 से 25 मिनट के लिए हल्की मीडियम हाई फ्लेम पे रख देती हूँ। ये बिल्कुल रेडी हो चुका है, अब हम इसको गार्निशिंग कर देंगे। ये बिल्कुल रेडी है, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। खुश रहें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।